एंड आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि थाईलैंड कितना एक्सपेंसिव है हम इंडियंस के लिए। यहाँ का दूध है, ये दूध का मतलब 450 ml का बॉटल है जो कि अराउंड आपको 100 रुपये में मिलता है। 400 रुपये भाई बियर्ड सेट करने के मैं दे के आया हूँ। सो हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा बजट के बारे में बताओ, मतलब कितना एक्सपेंसिव है, कहाँ पे क्या रुकने का हिसाब, वो सारी चीजें आपने कमेंट में काफी बार पूछा है। तो मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ एंड आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि थाईलैंड कितना एक्सपेंसिव है हम इंडियंस के लिए। जो स्टे है पर नाइट वो कितना पड़ता है एवरेज, एंड स्कूटी रेंट, हॉस्टल और यहाँ की मार्केट, खाना कहाँ से खा सकते हैं और आप है ना शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं और फुकेत में रुक कहाँ सकते हैं एक्चुअली। तो वो मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा, इवन लेके आप बियर्ड कितने में कट करा सकते हैं वो सब मैं इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये मेरा हॉस्टल है हैप्पी फिश और गेस्ट हाउस, ये आपका पतोंग बीच के पास में पड़ता है फुकेत में। और यहाँ का जो स्टे है, मतलब जो आपका एवरेज स्टे है वो 250 बाट तक जाता है। एंड जो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 ही चीज़ मिलेगी और उसमें क्या है कि आपका बेड मिलेगा एंड आपका टॉयलेट। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किचन वगैरह का कोई सीन है नहीं। एंड जो बेसिक प्राइस है यहाँ पर वो इतना ही है, लाइक 250 बाट। तो यहीं पर अगर आप चाहें तो फुकेत में आ रहे हैं और पतोंग बीच के पास ये ऑनर है सोफिया, तो आप आके यहाँ रह सकते हैं। तो गाइज, अगर आप आ रहे हैं और आपको स्कूटी रेंट करना है लाइक फॉर वन डे, तो आपको चार्ज करना पड़ेगा 250 बाट और अगर आप बार्गेन करेंगे तो 200 बाट तक जा सकता है, जिसका अराउंड पैसा बनता है आपका 450-450 INR। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास जो लाइसेंस हो वो इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव्ड होना चाहिए, वरना यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है भाई साहब बहुत तगड़ा वाला चलान लगा रहे हैं, बहुत तगड़ा, मतलब ये समझ लो 4-5 हज़ार बाट का है ना वो फाइन लगा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्कूटी रेंट करना कि जो आपके पास जो लाइसेंस है वो इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई ज़रूर हुआ होना चाहिए जब आप यहाँ पे फुकेत में कोई भी स्कूटी रेंट या फिर कुछ भी रेंट कर रहे हैं। तो अगर आप है ना टैक्सी वगैरह या फिर बाइक बुक करना चाहते हैं, मतलब कि रेंट नहीं करनी आपको स्कूटी और आप है ना टैक्सी या बाइक बुक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है यहाँ पर ग्रैब, जो कि सबसे बढ़िया और सबसे इजी है। मतलब आप कहीं भी हो हर जगह ग्रैब चलती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। एंड अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ आके सबसे पहले ग्रैब ही की थी, मतलब एप्लीकेशन जो थी, और उसी के द्वारा मैंने जितनी भी टैक्सी वगैरह की हैं। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जो एक एप्लीकेशन है बोल्ट करके, तो उसका प्राइस है ना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू ग्रैब, क्योंकि जो ग्रैब का प्राइस है, अगर सपोज दैट कि ग्रैब का प्राइस 100 दिखा रहा है तो आपको बोल्ट में सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, लाइक 60, तो 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, काइंड ऑफ मतलब सस्ता रेट है। तो आप है ना बोल्ट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे है ना कहीं भी आ सकते हैं। तभी मैं लेके चलता हूँ यहाँ की सबसे फेमस जगह, मतलब फेमस ही मान लो, क्योंकि हर 100 मीटर पे, हर 150 मीटर पे आपको मिल जाती है, और वो क्या है, वो है 7-Eleven, जो यहाँ का ग्रोसरी स्टोर मार लो या फिर नाश्ता वगैरह, आपका रिचार्ज हर एक चीज़ जो है आपकी 7-Eleven से हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 7-Eleven एक्चुअली दिखता कैसे है, और वहाँ पे आपको है ना प्राइस चीपर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि जो आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। एंड गाइज, यहाँ पे ये इस तरह से टेम्पो टाइप होते हैं जिनको बोला जाता है टुक टुक, और इनमें जो साउंड बेस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तगड़े वाला, और यहाँ पे जितना भी है थाईलैंड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग मतलब अगर ग्रुप में होते हैं, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं सोलो हूँ, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करता लेना लाइक दिस, वो लोग जा रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे मतलब जो ट्रैवल है एक इधर से उधर जाने के लिए सबसे ज़्यादा है ना टुक टुक यूज़ होती है अगर आप ग्रुप में हैं तो। बाकी ये मिनी सैटल बस, तो अभी मेरे सामने है आपका 7-Eleven, इस तरह से यहाँ पे स्टोर बने होते हैं, और रोड क्रॉस करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं 7-Eleven और ये इस तरह से है, बाकी खुल जा सिम सिम। गाइस, 7-Eleven में लेके मतलब हर एक चीज़, ब्यूटी और जितना भी खाने वगैरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी जो प्राइस हैं वो इंडिया से थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। इवन जो पानी की बोतल है वो आपको थोड़ा कॉस्टली ही मिलती है।
एंड सपोज दैट अगर ये देखा जाए तो 100 रुपए का है, सोनी 110-120 रुपए तक का, और वाटर बॉटल आपको जो है वो आपको अराउंड 14 baht, तो इसमें कितना आपका अराउंड लग जाएगा एक लीटर पानी के लिए 35-40 रुपया। तो ये सारी चीज़ें सर्फ एक्सल वगैरह जो डिटर्जेंट पाउडर है वो ये है मतलब अराउंड 180 रुपये का 600 ग्राम, तो इतना ज़्यादा यहाँ का प्राइस है। यहीं पे बियर वगैरह हर एक तरह की, मतलब बियर तो एकदम स्टोर में ऐसे मिलती है जैसे भाई पानी बट रहा हो, तो हर तरह की बियर, इतने सारे ब्रांड हैं, तो मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ यहीं मिल जाती है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि कॉफ़ी ले लेता हूँ, थोड़ा मन है, लेकिन बाहर से लेंगे, वो मैं आपको मार्केट दिखा दूँगा। और इस तरह से सब पैकेट्स वगैरह, ये लेस वगैरह के पैकेट हैं जो यहाँ पे थोड़ा अलग लिखे हुए होते हैं, एंड बाकी रेडबुल, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मतलब आइस वगैरह भी ले सकते हैं, बस पुश करें और आइस निकल के बाहर आ जाएगा। तो कॉफ़ी वगैरह अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे आप खुद से बनाइए, और बाहर है ना उधर पे कर सकते हैं। और ये दूध वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो सही है, मतलब एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि हाँ एकदम रेट टू रेट मिलेगा इंडिया की तरह, तो मैं ये कहूँगा कि एक्सपेंसिव है, रेडी रहे इस चीज़ के लिए। यहाँ का दूध है, ये दूध का मतलब 450 ml का बॉटल है, जो कि अराउंड आपको 100 रुपये में मिलता है, मतलब 100 रुपये आधा किलो दूध आपको मिल रहा है। तो महंगाई तो है डेफिनेटली, और मतलब अच्छे खासी महंगाई है। बाकी मैं तो कुछ ले नहीं रहा अभी, जस्ट आपको बताने के लिए आया था। तो गाइस अभी मैं आया हूँ बियर्ड सेट कराने, और देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस, आई डोंट नो कैसी होगी, तो देखते हैं कितना चार्ज यहाँ होने वाला है। बाकी बियर्ड सेट होने के बाद बताता हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बियर्ड करा लिया मैंने सेट, एंड टाइम लगा है डबल, मतलब कि आधा घंटा लगता है वैसे, और यहाँ 1 घंटे से मतलब बियर्ड सेट हुई है, लेकिन जैसा कराना था जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही क्या है। बाकी अभी चार्जेस देखते हैं कितना होने वाला है, और फिर मैं बताता हूँ आपको। तो अपना हो गया है काम, और अभी चलता हूँ मैं, ये इन्होंने मतलब काम किया था तो इसमें लगे मुझे कम से कम मिनट, इट्स अराउंड 400 रुपये भाई बियर्ड सेट करने के मैं देके आया हूँ, लाइक 400 रुपये लगे। हाँ, इंडिया के अकॉर्डिंग 400 रुपये का खर्च हुआ मेरा बियर्ड सेट कराने में। बाकी अभी चलते हैं, इतना खर्च इतना महंगा है भाई फुकेट और थाईलैंड। अब जो है यहाँ पे खाने के लिए मार्केट सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब खाना और शॉपिंग दोनों आप यहीं पे कर सकते हैं, हर तरह का आपको फूड यहाँ पे मिल जाएगा मलिन प्लाजा में। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इंडियंस हैं तो आपको है ना मतलब नियर बाई देखना पड़ेगा जो इंडियन रेस्टोरेंट है, जो कि थोड़े ज़्यादा कॉस्टली है मेरे हिसाब से। अगर आप एक इंसान खाएगा तो अराउंड 1500 के आसपास का है ना खाने का मतलब बिल बैठता है, जो इंडियन खाना होगा। तभी मैं आपको लेके चलता हूँ मलिन प्लाजा के अंदर, यहाँ का जो फूड प्राइस है वो कितने का होने वाला है, और बेसिक कितना होता है, आप फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं वो कितने में मिलेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे मतलब आपको फ्रूट्स वगैरह और जो सी फूड है ना सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है उसी की मिल जाएगी। बाकी मैं नाश्ते का सामान अपना यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से मतलब फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और नाश्ते वगैरह के लिए आपको कटके भी मिलते हैं और आप कटवा भी सकते हैं, मतलब हाथों हाथ ही आपको कट करके दे देंगे। और जो सबसे ज़्यादा मैं खाता हूँ वो यहाँ से खाता हूँ अपना खाना, जो जिसमें राइस और चिकन वगैरह होते हैं यहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको चिकन वगैरह का रोल भी मिल जाएंगे। ये फ़िश है हर तरह की, मतलब अलग अलग प्राइस है, 250, 200, सब तरह का वो है, और मुझे ये नहीं पता भाई ये एक्चुअल है क्या, और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया ये मतलब थाई फूड है जैसा भी है। और मतलब जो प्राइस है ना वो आपका 200 से कम में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, मोस्टली आपको 200 प्लस ही जाएगा अगर आप खाना खा रहे हैं किसी भी तरह का। एंड इधर साइड आपको मिल जाता है अंदर ही मार्केट में, यहाँ पे मतलब मोस्टली है ना फूड का ही है, यहाँ पे फिश स्पा वगैरह भी सारी चीज़ें होती हैं, और इस तरह से जो मछलियाँ हैं वो मतलब गंदगी जो आपके पैरों की है और इस तरह से वो सब ख़त्म करती हैं। बाकी जो यहाँ का चार्ज है वो 150 baht है, मतलब 100 baht है सॉरी 15 मिनट के लिए, और 100 baht मतलब 225 rupees। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ, और देखते हैं कि जो कपड़ों के प्राइस हैं वो कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं जब गया था मैं एक बार ट्राई करके आया था तो मुझे सही लगा था, मैंने पूछा नहीं था, लेकिन कलेक्शन अच्छा है बाय द वे। तो यहाँ पे शॉपिंग का ही मतलब ये पतोंग बीच के पास में काफ़ी बड़ा मार्केट है, एंड जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको बार्गेनिंग अच्छे खासी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बताते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग कर लोगे तो ईजिली आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा।
और देखते हैं अगर कुछ मिलता है मेरे लिए। बाकी मुझे वाइट में लेना है। अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी कपड़े, मतलब ज़्यादा कपड़े ना लेके आएं, क्योंकि यहाँ की शॉपिंग में भी आप है ना इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है नहीं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ आके शॉपिंग करें, स्ट्रीट शॉपिंग, जो कि 300 से 350 में आपको मिल जाता है। मतलब आपकी शर्ट होगी, शॉर्ट्स हो गए, तो बेटर है कि आप यहाँ से आके शॉपिंग करें, घर से मतलब ज़्यादा कुछ लेके ना चलें, घर से एक या दो जोड़ी कपड़े लेके आएं, क्योंकि जो यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी है ना वो बहुत थिन है, मतलब बहुत हल्की है, बहुत पतली है। तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ का वेदर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के ही कपड़े सूट करते हैं, नो मैटर आप कितना भी कुछ ले आएँ। तो बेटर है कि यहाँ आइए और यहीं से खुद से शॉपिंग कीजिए। 300 साढ़े 300 में शर्ट्स या फिर शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं आराम से यहाँ पे। इस शॉप पे जितना भी आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है, जितना भी मतलब हर एक चीज़ है, एलोवेरा वगैरह, फेस मास्क, जितनी भी चीज़ें वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। और प्राइस जो है मुझे थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। काफ़ी कलेक्शन काफ़ी सही है, मतलब अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये पतोंग बीच के पास में है एंड मलिन प्लाजा करके, तो यहाँ पे आप आएँ और ट्राई करें खुद से और लें। गाइस, फॉर लॉन्ड्री और आप ट्रैवल टिकट के लिए यहाँ पे मतलब हर एक जगह ऐसे मतलब बूथ बने हुए होते हैं जहाँ से आप है ना ट्रैवल के लिए, जैसे आपको पीपी आइलैंड जाना है या अदर जगह जाना है तो उसके लिए आपको ऐसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। लेकिन मेक श्योर कि आप जब भी कहीं से भी बाय करें तो बार्गेन ज़रूर करना है। ये बोलते हैं कि अप टू 2000 baht तक, लेकिन अगर आप बार्गेन करने में अच्छे हैं तो 1300 या 1400 baht में आप आराम से जा सकते हैं। और लॉन्ड्री का 1 kg का आपको 50 baht, जो कि अराउंड 120 rupees के आसपास आपको पे करना पड़ेगा 1 kg पर। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ खाने के लिए और मैं लेने वाला हूँ चिकन फ्राइड राइस, क्योंकि है ना भूख लग रही है। और अदर ऑप्शन में अगर बर्गर खाऊंगा तो भी मतलब वही है कि इतना ही ज़्यादा लगने वाला है, इवन बर्गर से सस्ता मुझे ये मिलने वाला है, तो मैं ही ऑर्डर कर दे रहा हूँ अभी। अगर आप मलिन प्लाजा आ रहे हैं तो और आपको हलाल फूड चाहिए तो यहाँ पे शॉप है और ये ऑनर है, तो मतलब खाना भी अच्छा है और थोड़ा सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी और जस्ट ये आपका यहाँ पे शॉप है, तो मतलब सही है 80 baht में, मतलब 180 rupees में आपको चिकन एंड राइस मिल जाने वाला है। अपना खाना मिल चुका है, बाकी अब जगह ढूंढते हैं खाने के बैठने के लिए। और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि खाना ले जाओ और जो बाहर है इससे थोड़ा सा जगह है होती है वहाँ जाके बैठ के खा सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है और देखते हैं जगह कहाँ मिलती है अभी। तो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यही एंड और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी नॉलेज जितनी भी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की, और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।